गाइस मैं हूँ अभी पोखरे बगर में। गाइस बेनी से आगे निकले थे और ये 20 से 25 किलोमीटर बाद आया है पोखरे बगर। यहाँ पर स्टे ऑप्शन भी अवेलेबल है, यहाँ पर गाड़ी हमने थोड़ी रिलैक्स करी है। अब हम जा रहे हैं जोमसम की ओर। जोमसम का नज़ारा कुछ ऐसा है ऊपर की तरफ, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर एडवेंचर मिलने वाला है। थोड़ा सा भी मिस मत करना, नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। पूरी ऑफ रोडिंग ड्राइव होने वाली गाइस। ये है काली गंडकी रिवर और भैया यहाँ पर हमारे पायलट साहब। बिल्कुल आप देखना, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। कंटिन्यू रहो, स्किप मत करना। स्किप नहीं करना। तो भाई साहब ये है काली गंडकी रिवर, ये पुलिया, ये इधर है पोखरे बगर। यहाँ पर ये कंडीशन है गाइस, ये तो होना ही। अगर आपके सामने आप क्रॉस कर रहे हैं कहीं पे भी और सामने से गाड़ी आ गई तो एक को रिवर्स लेना है। वो भी डिपेंड करता है, रोड सही है रिवर्स पे ले लोगे आप। हाँ तो दोनों से सगड़े रोड है तो फिर क्या करोगे। ध्यान आगे गाइस, यहाँ पे फंस गई गाड़ी। भैया चैम्बर कट रही है क्या? पीछे लूँ? उतार के ले लेते हैं। उतार के लेते हैं। उतारेंगे पीछे घूम रहे हैं? नहीं उतार के फिर ये पीछे आगे या पीछे ले, वेट ज़्यादा है ना उससे परेशानी आ रही है। बच्चों रहने दे, लेडीज को उतार दे। जोमसम कितना घंटा अभी यहाँ से? दो घंटा लगेगा। दोनों उतर जाओ, बच्चे बैठे रहो। वो जैसी भी आ रही, इसके ऊपर ले लेना भैया, इसके ऊपर। हाँ इसके ऊपर लेके निकाल देना। हाँ आगे तो पर बस कर ठीक 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 गोटी। अब कहाँ कमी क्या है, कहाँ लगाना पड़ेगा? क्या मिनट हाँ पीछे आने दे, एक बार पीछे जाने दे। इसको फिर क्या किधर से ले आए बेटर? ये ठीक नहीं यार, ये इसके ऊपर ऊपर ही। अरे भैया इसके ऊपर जाने देना, इसके उतर क्यों उतरे इसके ऊपर ऊपर। हाँ नहीं इसके ऊपर ले, आने दे। हाँ वो पूरा इधर नहीं ले आ रहा है। हाँ जान दे, अब आन दे, सीधा इधर, इधर नहीं इधर लेना था। क्या करो देखो, या पत्थर है इसके ऊपर लेके उधर निकालनी है। बोल रहे सर वो नॉर्मल है, अभी तो कुछ नॉर्मल है कहीं तो मर जाए। नहीं निकल जाएगा। जोमसम कितना टाइम लगेगा भैया बताओ? एक घंटा यहाँ से कितना लगेगा? 1 घंटा। बारिश तो नहीं आगे? बारिश तो कुछ नहीं, नहीं ना भाई। कीचड़ फंस जाएगी तो आप पत्थर लगा के निकाल सकते हो, टायर बैठ गया अंदर तो ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। सही बात है, फिर अपन टो कैसे करेंगे गाड़ी? अब इधर से मत लेना, इधर से मत ले। यहाँ के रोड और लद्दाख स्पीति जनस्कार के रोड में एक एंड, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ये जो रोड है फुल ऑफ स्लस से भरे हुए हैं, बहुत मिट्टी, चिकनी मिट्टी है। गाड़ी आपको चलाने में बहुत ज़्यादा परेशान आएगी। वहाँ के जो रोड है पत्थर के हैं, ये हो सकता है रिवर क्रॉसिंग है। दोनों में एक अलग अलग तरह के एडवेंचर आपको मिलेगा। ग्रिप बन जाती है टायरों की, खड्डा कीचड़ में ग्रिप नहीं बनती। सही बात, टायर फ्री हो जाता है। हाँ तो ये देखिए, ये एक रिवर काली दुंगी रिवर नहीं, हाँ काली डुंगी भी रिवर है, अपने फुल उफान पर है। अगर इस रोड पे अगर बारिश आ जाए तो गाइस ये जो रिवर है काली गंडकी रिवर है, अगर इस रोड पर अगर बारिश आ जाए तो एक हो जाएगा मामला। नहीं बहुत मुश्किल है। फिलहाल एक ऐसा एडवेंचर है जो कार से 198 mm कार से बहुत कम लोगों ने किया है इंडिया में।
वो पूरा एडवेंचर मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको बेनी से जुमसुम का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और हाँ बिल्कुल आगे 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 क्या होने वाला, आगे दोबा पटाखा पटक क्या दोबा सका पटक मिलना आप लोगों को अन्नपूर्णा गाँव पाली का डोबा रुकना भैया रुकना रुकना। हाँ ये जा रहा है डोबा, हाँ बेनी इधर है जुमसुम सीधे सीधे बिल्कुल। तो यहाँ पर आया है दोबा बाखा पटेक पकेट, दोबा बाखा पकेट, दोबा बाखा पकेट, हाँ दोबा और बाखा और पकेट एक गांव का नाम है पूरा इतना बड़ा। हाँ देखिए अगर आप मूसा मिली जा रहे हैं, रोड तो ऊपर से खराब है लेकिन मौसम भी खराब होने जा रहा है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए रोड आगे और भी खराब हो रहा है भैया, ध्यान से। वो मौसम खराब है ऊपर, एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो आ रही क्या धूप आ रही है। क्या आप आगे रोड की हालत क्या बोलो वापस बोलो ओह इससे भी ज्यादा खराब रोड आगे मिलने वाले के हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पूरी उम्मीद है रोड ज्यादा खराब मिलेंगे। ये तो फेम रोड है, अभी क्या शाम का टाइम हो चुका है लेकिन फिर भी हमें हमारा जो टारगेट हमने फिक्स कर रखा है, हम जमसम पहुंचना चाहते हैं एनी हाउ। अभी हम धीरे धीरे हाइट गेन कर रहे हैं, रोड की हालत ऐसी है कि शायद आप गाड़ी चलाना भूल जाए, ये कंडीशन है रोड की। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ऑक्सीजन का कोई इशू नहीं है, पावर का भी कोई इशू नहीं है गाड़ी की, लेकिन स्ट्रेस इतना है कि पावर खत्म हो जा रहा है गाड़ी का। पावर तो ठीक है पर टायर की ग्रिप नहीं बन रही, ग्रिप भी नहीं बन रही है, क्रीज आने भी स्लिप हो रही है। सकाली मांचा घर, थकाली मांचा घर, तत्तापानी, ओके तत्तापानी। ओ तो गाइस ये है तत्तापानी। ये बड़ा पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है। एक बार सीधे स्ट्रेट, एक बार सीधे लेके पीछे रिवर्स ले, उधर उतारना मत, सीधे ले, अब रिवर्स ले ले एक बार। थोड़ा फिर वो उसके लिए मिलना तो कॉम्पिटेट होता हूँ, सही बात है। नहीं नहीं दूसरे नहीं है, आप तो चलाएं, ये रास्ता खराब तो सबको इलाज नहीं है यार चलना ही है और जाना भी है। अब कितने से निकलेगा, उधर से निकाल लेंगे किनारे से। हाँ ये सही है मेरे हिसाब से, तो तेरा हिसाब देखा मशक्कत जमसम की तक पहुंचने की मिनिमम हम जमसम आज पहुंच जाएं
अभी जो टाइम हो रहा है 6:54 हो रहे हैं इंडिया के हिसाब से, नहीं इंडिया के हिसाब से 15 मिनट का आई थिंक डिफरेंस है, 15 मिनट का। तो अब देखते हैं यहाँ पर जो होता है सनसेट जो होता है वो मान के चलिए 7 अभी बज रही है, 7:30 या 8 बजे के आसपास होता होगा, 7:30 या 7:45 के आसपास का यह सनसेट होता होगा। फिलहाल अभी उम्मीद है कि 1 से 1.5 घंटे में हम जमसम हो जाएंगे गाइस। अभी बने रहना ब्लॉग में, बहुत कुछ बाकी है, अभी आगे कौन कौन सी परेशानी आ सकती है वो मैं बताऊँगा आपको। फिलहाल रोड की कंडीशन बहुत ही बेहाल है, देखिए आप रोड ऐसी जगह पे जब आ रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको फंसने के चांस कम लग रहे हैं ना तो स्लो होकर आप क्रॉसिंग करो। अगर आपके पास गाड़ी में बैठे हैं तो हो सकता है गाड़ी कहीं अड़ भी जाए, ठीक है। इस ये जो फॉर्मेट है इसको भी आप फॉलो करें, अड़ेगी। सोच के चल रहे हो आप कि मेरी गाड़ी के टच नहीं हो और मैं मुस्तांग कर लूं गाड़ी, तो आप मत आओ, आप नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। सही, शायद इंडिया के कुछ बंदे ही होंगे जिन्होंने ये वाला रूट रात में कवर करने जा रहे हैं, शायद इंडिया के कुछ बंदे ही होंगे जो ये वाला रूट रात में कवर करने जा रहे हैं गाइस। 7 बजने वाली है, 7 बज चुकी है गाइस और अभी भी जमसम नहीं पहुंचा रहे। मुस्तांग वैली का ये रोड बहुत ही डेंजरस है और रात में तो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। आपको दिखाता हूँ मैं कैसा है, बच्चों पकड़ना गिर जाएगा। हाँ अब ले स्पीड से रुको, भैया पत्थर पीछे वो लेनी पड़ेगी, पीछे लेनी पड़ेगी रिवर्स, एक बार रिवर्स लेनी पड़ेगी भैया तेरे को, ये इस पे इस किनारे ले ले बस, वहाँ जान दे जाने दे।
इधर पत्थर है एक तो, ठीक है पीछे ले, पीछे ले एक बार, थोड़ा सा थोड़ा पीछे ले, हाँ हाँ बस बस अब ले ले आगे। उधर पत्थर वहां वापस दे दो, वापस मौसम बना के ला। पत्थर पत्थर भी जाए, हाँ वे पत्थर वहां पत्थर है, यहाँ पत्थर है बड़ा देख। उधर उधर क्या टायर वहां पे किसकी हो रहा है, वो देख ग्राउंड राउंड हो रहा है वहां पे। हाँ, पत्थर है वहां, गाड़ी की टिकट बननी पड़ेगी। यहाँ पर यहाँ जाने अंदर, आ जाओ। क्या करना है? हाँ भटे भटे रखना, जहाँ मिट्टी ज्यादा है और जहाँ गाड़ी राउंड राउंड टायर घूम रहे हैं, ट्रैक्शन नहीं आ रहा। हाँ वहाँ पे आप पत्थर जो था ग्रिप बन जाएगी। सही बात है, चलो। तो ऐसे ऐसे झरने पड़ते हैं मुस्तांग के रोड पर, चलो आगे। बहुत जबरदस्त है, स्पीति की टक्कर है, स्पीति से लग रहा है कि स्पीति को फेल कर रहा है, क्योंकि स्पीति में पत्थर सूखी मिट्टी ठीक थी वहाँ पे, ये मिट्टी पर स्पीति इसकी टक्कर की थी ना यार, बिल्कुल टक्कर इसकी टक्कर की थी मुझे तो लग रहा है। और ये कीचड़ परेशान कर रहा बहुत ज़्यादा, ग्रांड का होटल ग्रांड का भी नहीं, उसका गाड़ी नहीं चढ़ पाई, ये गाड़ी चढ़नी पड़ी नहीं, लेकिन चलो गीली मिट्टी ने गीली मिट्टी तो वो परेशान कर ही जाता है। हाँ होता है 4x4 क्या होता है कि अगर गाड़ी फंस गई आपकी तो फ्रंट के जो टायर है वो पावर नहीं देते, पीछे टायर सपोर्ट कर देते। चल जान दे, मौसम बना के अब जाने दो, बनना होगा। थोड़ा सा और बाकी है। हाँ सो गाइस, सो एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, सो एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिली है। अभी 3-4 किलोमीटर का रोड और ख़राब है ज़्यादा, जो सबसे डेंजरस है, उसके बाद हो सकता है थोड़ा रोड अच्छा हो जाए, जैसा कि यहाँ के पहाड़ी लोग बता रहे हैं। अभी तो फिलहाल वही कंडीशन है रोड की, देखिए आप, बहुत खराब, बहुत मुश्किल है। जो यहाँ के जो लोकल ड्राइवर होंगे उन पे कितना प्रेशर होता होगा क्या? आप जैसे 2-5 बार आ जाओगे तो फिर भी हैबिट हो जाएगी आपकी। सही बात, फर्स्ट टाइम इस तरह से फैमिली के साथ और सबको आ हुआ रही है, कोई बोला ओ ओ ओ तो दबाव ज्यादा बनता है। सही बात, रास्ता सही से गाड़ी निकालनी, दबाव बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है भाई। और फिर अपनी फैमिली का, अगर आप टैक्सी ड्राइवर हो तो घरवाली बैठे चिल्लाती रहोगे बाद में, अपनी फैमिली का दबाव तो बहुत खराब होता है यार। सही, आदमी बेचारा कुएं चला जाता है देश छोड़ के, कहीं चला जाता है दबाव में खाली। उधर से ले भैया, ये देखिए रोड कैसे कैसे रोड पर, और यहाँ पर सिर्फ गाइस सिर्फ ज़्यादातर जो गाड़ी चलती है वो बोलेरो चलती है, ये मान लीजिए आप, यहाँ पर कोई भी गाड़ी काम नहीं आएगी, बोलेरो यहाँ के लिए सबसे परफेक्ट गाड़ी है, अप्रूव्ड मान लीजिए आप। ये हड़ क्या रहा भैया, ये जो प्लेट प्लेट लटकी लटकी नहीं है, हड़ता है वो, नहीं ये जो वो जो बताया ना मैंने, अरे कैची, हाँ पत्थर हटते हैं तो लोहे पत्थर हटाया कैसे आवाज आएगी, थोड़ा अनुमान लगाओ यार, वैसे आइए ना। हाँ पोखरा से कम भी मॉर्निंग 7 बजे निकलना, 7:30 पहुँचना चाह रहे, बिल्कुल आप बिना परेशानी के पहुँच जाओ, अंधेरे में बहुत चीजें अलग हो जाती है। सही बात है। तो गाइस अभी फिलहाल तो रोड की कंडीशन एज यूजुअल है, रात भी हो चुकी है, अब
आगे कुछ जबरदस्त एडवेंचर मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं तो फिर हम आगे मिलेंगे जॉमसम में और बताता हूँ वहाँ का स्टे क्या, लोकेशन है, कैसी है। लेकिन यहाँ से चढ़ाई तो चढ़ रही गाइज, चढ़ाई तो चढ़ रही गाइज। देखिए बोलेरो, बोलेरो फुल करो भैया, फुल है, फुल है। हाँ ओके ठीक, ये देखिए चढ़ाई चढ़ रही है और इंडिया की फर्स्ट ब्रिजा हो मारुति ब्रिजा जो मुस्तांग कर रही हो, ऐसा मेरा मन है। हो सकता है नहीं भी हो ना, लेकिन हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन हमारा मन है देखा नहीं है। यहाँ पर भी नजर नहीं आ रही गाड़ी, यहाँ पर तो सिर्फ बोलेरो आगे जो चल रही है। देखिए आप बहुत फर्क पड़ता है इससे, ये आपको बहुत फर्क पड़ता है अगर आपके साथ गाड़ी आगे चल रही है। किस्तवाड़ है ना, किलाड़ किस्तवाड़ इसकी टक्कर का है, मैं नोटिस कर रहा हूँ। और खाई की करना, मतलब वो तो मेरे साथ मेरा जो आइडिया था ना, मेरा आइडिया था कैसा रोड हो सकता है, अधिकतम इससे थोड़ा ज्यादा है, उधर मत लेना, उससे ज्यादा है। हाँ मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा स्लश मिलेगा, स्लश के साथ नहीं सोचा था मैंने, सोचा होगा यार पार हो कुछ। मुझे लग रहा था होगा, सबसे बुरा जो है ना ये स्लश नहीं, ये गधा है। गाड़ी जाती कैसे हो गया यार, ये बाइक के भी काम है, आके आया तो अब नहीं आएगा, अब तेरे को नहीं लाएंगे, ठीक है? नहीं लाने की बात नहीं है, लेकिन है ना जान प्यारी है कि घूमना प्यारा है। अब आई किसा है, मुस्तांग आना, मुस्तांग हाँ आऊंगे एक बार, बाइक पे आऊंगी, मुस्तांग आना है बाइक पे, कार में तो कभी नहीं, कभी नहीं। यहाँ तो है बारिश आ रही, भैया बारिश होगी तो परेशानी आ जाएगी अपने को। तो गाइस बहुत ही बुरी कंडीशन में फंसे हैं, सीधे लेना सीधे भैया, उतर मत फंसाना, सीधे लेना। आधा इसके वजह से मेरी हो रही, गर्म हो गई गाड़ी। पावर नहीं लग रहा है ना, स्किड क्या करें भैया, सकर पावर ही लग रहा है, धक्का देता है, धक्का देने से नहीं होगा, अपने ऐसा कर रहे हैं ना यार, स्किड हो रही है, पत्थर लगाना पड़ेंगे पीछे, पत्थर पीछे पत्थर लगा, गाड़ी पीछे दो मुझे क्या, सुनो आप तोड़ देना अभी, लेकिन रोड अगर सही नहीं है तो फिर अपने रुकना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्या भैया पीछे कैसे जाएंगे, ये तो पीछे भी आगे परेशानी नहीं, मुड़ेंगे कैसे गाड़ी, नहीं वो तो मुड़ेगी भी नहीं, और ये जाना तो आगे ही पड़ेगा, जाना तो आगे ही पड़ेगा, एक बार फुल ले लेते हैं, एक बार इनकी हेल्प ले लेते दो चार लड़के, हाँ यार वो धक्का देके निकाल देते ना तो सही हो रहता यार। हाँ तो गाइस फिलहाल ये है कि यहाँ पर आधा घंटा हो गया मैं और यहाँ से गाड़ी नहीं निकल रही है, गाड़ी गर्म भी बहुत ही ख़राब पेस था और यहाँ पर आना इम्पॉसिबल है, कोई भी अगर आ रहा है 4x4 लेकर अगर नहीं आ रहा है ना तो यहाँ से निकलना, इस पेज से बहुत सारे पेज है लेकिन इस पेज से निकलना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, मतलब है ही नहीं, मतलब जा ही नहीं सकते आप जाऊँ मतलब, हाँ 100 पत्थर उठाए फिर जाके थोड़ा यहाँ आए हैं, फिर भी लास्ट पेज बाकी, चलो मिलते हैं आगे। तो भैया क्या मैं
सबको रिकमेंड नहीं करूंगा ये यात्रा। हाँ उसकी कोशिश तो अभी भी करे। हाँ बाइक लेकर आ जा जिगरा, फॉरेक्स को क्या बड़ी गाड़ी लेकर के आए, ये भी लेकर हम आए। हाँ ये भी हम लेकर के आए, हमने भी निकाली, ऐसी बात नहीं निकल सकती, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल बहुत मुश्किल से है। हाँ ये बहुत मुश्किल से पॉसिबल है, स्पेशली इस सीजन में जो बारिश आ रही है, रोड गीला हो रहा है, कीचड़ है, मिट्टी खराब है, पता नहीं क्या क्या खराब है, पता नहीं चल रहा है, हरा भी डरा रहा है, लोकल भी डरा रहा है, गाड़ी तो जाएगी नहीं, ये गाड़ी तो नहीं जाएगी, लोकल आदमी डरा रहा है। हर आदमी ने मना ही किया है, किसी ने नहीं कहा आप जाओ, किसी ने नहीं कहा, हम आए हैं करके रहेंगे। सही गाइस, अभी जस्ट हमने लेते क्रॉस किया है, लेते में चौक पे चेक पोस्ट है और वहाँ पर हमारा सारा परमिट एक एप का और सब कुछ चेक हुआ। और एक मिनट रोड देखना पड़ेगा गाइस, रोड पहले देखना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, रोड वापस खराब होते हुए, अच्छा भैया रोड वो तो कह रहा था अच्छा है रोड। हाँ वही तो कह रहा हूँ, इतना खराब नहीं आ सकता ना। सो गाइस रोड की हालत ख़राब हो गई है, मतलब समझ भी नहीं आ रही कि यहाँ से गाड़ी जाती है कि नहीं जाती है, इतना ख़राब है। हाँ इतना ख़राब है, तो एक बार हम कंफ्यूज हैं, चेक करने जा रहे हैं गाड़ी हमने वहाँ रखी है कि क्या यही रोड है। अगर यही रोड है तो समझ लो आप वापस एक परेशानी में फंसने वाले हैं हम। मुझे लग रहा भैया यहाँ तक पड़ जाएगा अपने लिए, यहाँ से ब्रिजा निकालने में शायद बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी आपको। क्या भैया लग रहा है? नहीं ये रास्ता नहीं है भैया, ये रास्ता नहीं हो सकता है। हाँ क्या बात, ये तो रास्ता नहीं हो सकता, मानूंगा ही नहीं मैं, अगर ये रास्ता है तो फिर हो ही नहीं सकता कुछ। चलो भाई चल चल चल, रास्ता गलत आ गया, गलत आ गया। सो गाइस गलत रास्ते पे जा रहे थे हम, क्योंकि हमें डाउट हुआ था कि ये रोड हो सकता है, लेकिन ये रोड नहीं है, ये पूरा पहाड़ है, इस पर वैसे भी गाड़ी चलाना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। रोड बता देता हूँ आपको कैसा है, गाड़ी हमने वहाँ रख दी है, निशात पीछे आ रहा है। हाँ वही देखो, ये रास्ता हो ही नहीं सकता, पीछे ले लेते वापस। हाँ। क्या हाँ। फिर देखते आगे के, ठीक है भैया। हाँ नहीं तो लेते स्टे करेंगे अपने, फालतू रिस्क नहीं लेना। अब कंडीशन भी नहीं है, डेट कितना हो गया, अब बच्चे थक गए, अब मैं थक गया। हाँ सो गाइस फाइनली ये डिसीजन लिया, अगर यहाँ से अगर रास्ता मिल जाता है हमें, क्योंकि कोई ना बंदा है ना बंदे की जात, अगर नहीं मिलता है तो हम लेते स्टे करेंगे, मिल जाता है तो मार्फा जोमसम नहीं जाएंगे आज हम। इस गलत रोड पे हम जा रहे थे, यहाँ से वापस रिवर्स लेंगे, रिवर्स लेने के बाद हम वापस बाहर निकलेंगे और फिर कन्फर्म करेंगे ओरिजिनल रोड मुस्तांग का कहाँ है। लेट नाइट ये होना बहुत खराब मतलब एक्सपीरियंस होता है, जब आप बड़ी मुश्किलों से रास्ता तय कर रहे हो, फाइनली जब एक डेस्टिनेशन पे रुकना अपने आए कहाँ से गलत थे। हाँ एक मिनट होल्ड करना, अब जाना कहाँ है, कहीं जाना नहीं, यहाँ तो नहीं है रास्ता, इधर रास्ता तो नहीं है, ये रास्ता नहीं उधर नहीं, देखा था ना, देख क्यों, हाँ देख क्या रहा है, खाई है भैया, सामने दिख रहा है, पक्का। हाँ तो फाइनली रात होते होते जो हमारा प्लान था हमने थोड़ा सा चेंज करा, जोमसम हम नहीं जा रहे हैं, हम जोमसम से पहले मार्फा में स्टे करेंगे, मार्फा बस यहाँ से एक या दो किलोमीटर होगा, और रोड की कंडीशन पहले के हिसाब से थोड़ी सही हो गई है। हाँ ये देखिए आप, बाकी तो सब सुन हो गए, सब सुन हो गए, इतना खराब रोड कभी देखा नहीं, इतना खराब रोड कभी नहीं देखा है। एक ही बात कहूँगा, अगर आप इंडिया से ऑफ रोडिंग के हिसाब से आ रहे हैं तो सबसे बेटर तो बाइक है इस रोड के लिए, सबसे बेटर अच्छी सी बाइक ऑफ रोडिंग बाइक आप लेके आओ वो सबसे बेटर है, आप फॉरेस्ट फोर लेके आ जाओ, थार है आपके पास, बोलेरो है, फॉरेस्ट फोर ट्राई ले आओ, लेकिन दूसरी गाड़ी कोई सी मत लाना। सो फाइनली एक होटल मिली है, सबसे बेहतरीन होटल है मार्फा की, वहाँ पर हम रुके हैं, हेमचो क्या नाम है इसका, हेमचोन है, हेमचोन है आई थिंक,
सो गाइस अभी हम यहाँ सो गाइस अभी हमने यहाँ पर नाइट होल्ड कर लिया है मारफा में, बहुत ही अच्छी लोकेशन पर, बहुत ही अच्छी शानदार जगह है गाइस। तो इन भैया को थैंक यू बोलूंगा, बहुत बहुत थैंक यू भैया। क्या नाम भैया आपका? मेरा गुंजा है। और होटल का नाम क्या है? होटल का हीरासन होम्स। हीरासन होम्स, ओके। सो लाइट तो चली गई है, इधर 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 से आना। सो गाइस कल मिलते हैं, अब कल हम रुके हैं इस जगह का नाम है मारफा। कल रात में यहाँ के रुक गए थे 11 बजे के आसपास, ये होटल में लगे थी, बहुत छोटा सा विलेज है ये।